महिलाएं तो पहुंच चुकी है दबेना, दबेना के खिलाड़ी जूनियर वर्ग बालक कबड्डी दबेना यदि मैदान पर उपस्थित है तो अपनी उपस्थिति की सूचना दे दें। इसके तुरंत पश्चात ये मैच खेला जाना है दबेना विरुद्ध। और रेडर आउट है, अभी और रेडर आउट है। मछली असन भगागी भाई, इधर लाइन में कहां लोग बैठे हो मासूम पानी और सूरी मैदान पर होता हुआ टीम की बराबरी पर सूहू और मासूम पानी और एक अंक के साथ मासूम पानी वही जीता हुआ। हम अपने सूचना दें दबेना की टीम जूनियर वर्ग दबेना की खिलाड़ी अपनी उपस्थिति प्रदान करें क्योंकि इस मासूम पानी एक अंक के हट पर मछलियों पूरा खेल फॉर्मेट के पश्चात खराब होता हुआ आज मासूम पानी के मैदान पर सूही के लीडर देते हैं काफी का मुकाबला दोनों के बीच दोनों ही टीम अपने आप में सशक्त और ये बहुत अच्छा खेल और इस प्रकार से पूरी रफ्तार अपने कब्जे में ले लिए और एक और अंक मासूम पानी को और इस प्रकार इसको सही था दो अंक के लिए डाले और यहाँ पर गलती कर रहे थे सूही के टीम और एक अंक और गवाए और मासूम पानी का खेल पहुंच चुका छह के स्कोर पर और तीन अंक की लीड पर है मासूम पानी का टीम और बहुत ही सुंदर टेकन और एक अंक और का इजाफा और मासूम पानी सात अंकों के साथ चार अंक की लीड पर चुकी है और केवल एक ही खिलाड़ी है सूही के मैदान पर और पूरी तरह से आत्मसमर्पित करते हुए बारिश साफ हो चुका है तो अतिरिक्त अंक देने से रुक लो और कुल मिलाकर 10 अंक और 7 अंकों के लिए मैच पूरी तरह से उत्तरफा जाता हुआ मासी पानी के खाते हो और वो सूर्य के खिलाड़ी पहले खिलाड़ी और सूर्य के मैदान पर देखते हैं कि अपना जो बहुत है वो बनाए रखते हैं कि ऐसे कोई चमत्कार करते हैं सूर्य के खिलाड़ी ऐसे सूर्य के खिलाड़ी बहुत सुंदर खेल के स्वयं गलती करके अपना अंक गवा रहे हैं और 11 के स्तर पर पहुंच चुका है मासी पानी और 8 अंक की महत्वपूर्ण लीड और चलिए फिर एक बार सूर्य के खिलाड़ी मासूम पानी के मैदान पर जो कि 8 अंकों की लीड के साथ एक तरफा मैच जाता हुआ मासूम पानी के खाते हुए सूर्य के खिलाड़ी और बहुत सुंदर प्रयास कर रहे हैं और आवश्यकता है कि और अधिक अंक लेकर के बराबरी करने का प्रयास करें सूर्य की टीम और कोई अंक नहीं और एक बार पुनः मासूम पानी की टीम सूर्य के मैदान पर काफी कड़क और मजबूत खिलाड़ी जो कि हेडर के रूप में मासूम पानी की टीम से गए हैं और चारों ओर घूम घूम कर रनिंग करते हुए और 2 अंक और मासूम पानी के खाते गए और उसके साथ 3 का स्कोर किया। जी हाँ, 3 अंक और इस प्रकार स्कोर पहुंचा 14 अंक 11 अंकों के लिए पानी 14 अंक और सीढ़ी है मात्र 3 अंक इस प्रकार 11 अंकों की लीड पर है मासूम पानी। विजेता घोषित किया जाएगा इस मैच के तुरंत पश्चात। इस मैच के तुरंत पश्चात अब मैच पुनः प्रारंभ होता हुआ और मासूम पानी के खिलाड़ी मासूम पानी खिलाड़ी दोनों तो एक तरफा
तो मैच जाता हुआ 18-3 के अंदर और राशिद अली खाते में एक अंक और जाता हुआ और मासूद अली का स्कोर 19-3 एक तरफा मैच पूरी तरह से जाता हुआ शुरू के खिलाड़ी बेबस लाचार नजर आ रहे हैं। पूरी तरह से एक तरफा मैच मासूद अली के खाते में जाता हुआ 19 अंक और इधर है 3 अंक अरे बात है सभी का खिलाड़ी जेवर के रूप में बासी पानी के मैदान पर देखते हैं आने वाले 2-3 मिनट लगभग शेष है। इस समय में कितना क्या कुछ कर पाते हैं अपने टीम के लिए निर्णय करें। दबेगा की टीम दबेगा के कबड्डी खिलाड़ी जिला कबड्डी दबेगा कुमार धोनी की टीम मैदान के आसपास पहुंच चुकी है। बता बता के दबेगा के खिलाड़ियों की उपस्थिति की सूचना हमें नहीं मिल पाई है। तो मेरा है यदि आप मैदान पर हैं तो अपनी उपस्थिति प्रदान करें। चार अंक ठीक बासु पानी बहुत सुंदर टोटल और एक अंक और अंक इस प्रकार स्कोर पहुंच चुका है मासूम पानी 20 और सिर्फ 4-16 अंकों की लीड और निश्चित रूप से अभी लीड बहुत ही कठिन और ये 1 अंक सभी को मिलता हुआ और सभी का स्कोर पहुंचा 5 और मासूम पानी है 20 15 अंकों का अंतर। दो मिनट शेष लास्ट 2 मिनट में 15 अंकों का जो अंतर है देखते हैं आने वाले समय 2 मिनट में क्या सभी के टीम उस 15 अंकों के अंतर को काट पाती है अन्यथा 8-72 करते हैं। और अगला मैच हो रहा है दबेगा विरुद्ध कुमार धोनी। कुमार धोनी की टीम पहुंच चुकी है उन्हें अपनी उपस्थिति की दबेगा के खिलाड़ी अपनी उपस्थिति की सूचना नहीं दिखाई है। उनसे अनुरोध है जो भी मैदान के आसपास हो कृपया अपनी उपस्थिति की सूचना देंगे। दबेगा मैदान पर उपस्थित है हाथ खड़े करके इशारा देंगे। दबेगा के खिलाड़ी दबेगा के खिलाड़ी जूनियर वर्ग दबेगा के खिलाड़ी जूनियर वर्ग बालक यदि जूनियर वर्ग बालक कबड्डी हेतु दबेगा के खिलाड़ी यदि उपस्थित हो तो अपनी सूचना दे रहे अन्यथा उन्हें इस मैच से डिस्क्वालीफाई किया जाएगा और सामने वाले टीम को बार बार उपभोक्ता की बारी है क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और इन कम समय में हम पूरे खेल को संपन्न करवा रहे हैं। इसलिए बार बार घोषणा है कुमार धोनी विनोद दबेगा कुमार धोनी की टीम पहुंच चुकी है दबेगा यदि उपस्थित हो तो अपनी सूचना दे रही। चलिए शायद दबेगा के खिलाड़ी उपस्थित नहीं है अगला मैच के लिए तैयार रहेंगे बांग्लाबारी विरुद्ध रामपुर बांग्लाबारी विरुद्ध रामपुर यदि उपस्थित है अपनी उपस्थिति की सूचना दे रही। बांग्लाबारी उपस्थित है बांग्लाबारी विरुद्ध रामपुर मासूल पानी विजेता चलो रामपुर बांगाबाड़ी और रामपुर के बीच कबड्डी का मैच
रामपुर विरुद्ध बांगाबाड़ी के बीच जबरदस्त कबड्डी का मैच और शायद सेमीफाइनल नहीं से, पहली राउंड का है। पहला राउंड है कबड्डी का लाइव टेलीकास्ट द्वारा बहुत ही शानदार लिया जा रहा है। दर्शक नेता ले रहे हैं वास्तव में कबड्डी बहुत ही रोमांचक और साहसपूर्वक खेल है जिससे छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग लोग बहुत ही आनंद पूर्वक खेला जाता है। इसमें अपनी सूझबूझ से अंक प्राप्त करने की कोशिश करते हुए सात बेला पे सभी दर्शक देखा कबड्डी का बहुत ही अच्छा आनंद लेते हुए सुना बस्तर ओलंपिक 2024 आप धर्मपुर में पधारे सभी दर्शक दीर्घाओं का स्वागत करते हैं। रेडर आउट और इस तरह से बड़े ही रोमांचक मैच अगले मैच के लिए तैयार रहेंगे। रामपुर विरुद्ध देवी नवा गांव कुराल फैमिली देवी नवा गांव और कुराल फैमिली जो पुरुष वर्ग के प्लेयर हैं वे अपनी उपस्थिति बरकरार रखें। कुराल फैमिली विरुद्ध देवी नवा गांव विरुद्ध कुराल फैमिली और सेवन पे जीरो वन टच पॉइंट बोनस रामपुर को बोनस मिला है। और इस तरह से ये रेडर आउट नंबर का इजाफा रेडर आउट वन पॉइंट रामपुर रामपुर को एक नंबर का कांटा चल रहा है। और इस तरह से बड़े ही स्फूर्ति के साथ जो प्लेयर हैं मैदान पे अपनी क्वालिटी को दिखा रहे हैं। रामपुर विरुद्ध बांगाबाड़ी और एक बांगाबाड़ी नरहरपुर ब्लॉक का लास्ट क्षेत्र है जो कि कोंडागांव जिला को टच करता है। उस क्षेत्र से लगभग 40-50 किलोमीटर की दूरी को पार करके सफर करके नरहरपुर मुख्यालय पे उपस्थित हुए हैं। और वाकई में बांगाबाड़ी का अपना यहाँ पर जो खेल जो चल रहा है वास्तव में दूर अंचल पे रहकर भी